तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने एक बार फिर दिया दर्शकों को धोखा। सिर्फ जेठालाल ही नहीं, ऑडियंस के अरमानों से भी खेल गए असित मोदी। वादा करके भी नहीं आई दया बेन, तो टूटा लोगों के सब्र का बांध। सोशल मीडिया पर शुरू हुई शो को बॉयकॉट करने की मांग। जी हाँ, 15 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल गर्मा गया है। दर्शक इस हद तक भड़के हुए हैं कि शो को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है और सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लगातार #boycottTMKOC ट्रेंड कर रहा है। और वजह है सभी की चहेती दया बहन, जो एक बार फिर वादा करने के बाद भी गोकुलधाम लौट कर नहीं आई। पूरा माहौल बनाने के बाद भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने शो में दया बहन का कमबैक नहीं करवाया है और ये धोखा देखकर इस बार दर्शकों का गुस्सा शो के मेकर असित मोदी पर फूट पड़ा है। कोई शो को बॉयकॉट करने की डिमांड कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अब इस शो को बंद कर देना चाहिए। दरअसल शो के लेटेस्ट ट्रैक में गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है। बीते कई हफ्तों से मेकर्स ने माहौल बनाया हुआ था कि दिवाली के मौके पर दया बेन फाइनली अपनी मायके से गोकुलधाम लौट आएंगी। दया बेन के स्वागत में शो में तमाम तैयारियां भी की जा रही थी और इस बार का माहौल देखकर दर्शकों को भी पूरी उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस बार दया बेन का शो में कमबैक हो ही जाएगा। लेकिन हुआ वही जो बीते सालों में दर्जनों बार हो चुका है। एक बार फिर दया बेन के नाने से जहां शो में जेठालाल की आंखों से आंसू निकल पड़े तो वहीं दर्शकों में भी बेहद मायूसी है। लेकिन इस बार तो शो के मेकर्स पर भी ऑडियंस का गुस्सा फूट पड़ा है। बार बार बेवकूफ बन रहे फैंस इस बार इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ट्विटर एक्स पर #boycottTMKOC बीती रात से ही लगातार ट्रेंड कर रहा है। एक गुस्साए फैन ने लिखा है, अगर दया को नहीं ला सकते तो किरदार का एंड कर दो, इतना माहौल बनाकर क्यों हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हो। एक और दर्शक ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है, पता नहीं था जेठालाल कभी हमें रुलाएगा भी, फिर से दया नहीं आई, कोई भी शो को नहीं देखना चाहता। तो वहीं एक फैन ने #boycottTMKOC लिखते हुए लिखा है, हो गए खुश सभी फैंस का दिल तोड़ के, अब और नहीं, बंद करो शो। दर्शकों का आरोप है कि पोपटलाल की शादी और दया बेन की वापसी का फेक ट्रैक दिखाकर मेकर्स ने शो बर्बाद कर दिया है। वह लगातार ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में दया बेन का रोल निभाने वाली लीड एक्ट्रेस दिशा वकानी ने शो से मैटरनिटी ब्रेक लिया था। हालांकि इसके बाद से ही वो शो में वापस लौट कर नहीं आई है। अक्सर ऑडियंस दया बेन के कमबैक की डिमांड करती रहती है, लेकिन दिशा को शो में वापस लाने की सभी कोशिशें अभी तक बेकार ही साबित हुई है। दिशा दो बच्चों की माँ भी बन चुकी है और एक्टिंग से पूरी तरह से दूर है। वहीं दया बेन के शो में ना होने की वजह से शो की टीआरपी पर भी गहरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।